नमस्कार, सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। फिर से पहुंचे हैं जी अपने काफी लोकप्रिय चेहरे, रेगुलर आपको अच्छा पशुधन दिखाने वाले पशुपालक के यहाँ से। तो सामने आप पशुधन देख पा रहे हैं, रूटीन से पशु और लगभग जो है मिल्क वाले पशु ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ज्यादा दूध भैंस निकालेगी तभी एक किसान की जो आय है वो बढ़ सकती है। तो आज की वीडियो को जो भी भाई पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहे। जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें। पहुंचे हैं जी गांव सुदराणा, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा से कवरेज लेके आ रहे हैं। सामने आप देख पा रहे हैं राकेश सर को। तो नमस्कार राकेश भाई, नमस्ते भाई साहब। आज एक ही पशुधन, क्या कुछ डिटेल एक बार बताएं भाई। यार 6-7 दिन की ब्याई हुई जी, और इसमें दूध होना चाहिए 15 किलो से अबाउट। अच्छा, साथ में बच्चा क्या है? मेल का खोलना एक बारी। ब्यांत कौन सा? तीसरा ब्यांत है। आज 6-7 दिन की ब्याई हुई? बिल्कुल 6-7। और दूध बता रहे हो आप 15 से ऊपर, साथ में मेल काफ तीसरे ब्यांत की, 15 प्लस दूध, 6-7 दिन की ब्याई हुई। ले आओ। जी और किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे, खोड़ी भी मेरे पास पड़ी है। अच्छा, जहाँ से खरीदी थी उसने सींग साथ ही में दिया है। कोई नहीं, कोई भाई खरीदेगा किसान वो ले जाए तो दे देना, कम से कम सुंदरता तो बनी रहेगी, बता के दे देना। तो कैसे अंदर बांध के मिल्किंग की तैयारी? छोटो बच्चा, तीसरी बार काविंग की है जी, साथ में मेल काफ, और जो नीचे से जो आर्डर की क्वालिटी है, थन है बहुत ही अच्छे, एक सींग का खुलचा जो है उतरवा रखा है, और क्लियरली आप पशुपालकों को बता रहे हैं कि किसी भी भाई के साथ किसी भी तरह की कोई भी धोखाधड़ी ना हो। दूध की भैंस अच्छी है, अगर 6-7 दिन की ब्याई हुई भैंस 15 से अबाव दूध निकाल रही है, और इतनी सर्दी है कि टेम्परेचर तो आप मानिए सब कुछ सिटक रहा है जी ठंड से, भैंस और बच्चे इनको सर्दी से बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो साथ में ये मेल काफ है, बिल्कुल ताजी ब्याई हुई, और अड्डर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल खिंचा हुआ जो नाभि से और पीछे टेल। किलो से ऊपर क्या गाड़ी? अच्छा, 2.5 किलो दूध क्या गाड़ी बता रहे हैं। अच्छे पशु लेके आते हैं, अच्छे दूध के पशु जो लेके आते हैं, और कवरेज लगभग जो है मिल्किंग की करवाने की कोशिश रहती है। वैसे मैं खुद अफोर्ड नहीं करता इन चीजों को कि वो एक टाइम की मिल्किंग को माने, लेकिन इनका कहना है कि उसमें भी काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, जैसे बच्चा ना लेती हो, छर्रा हो, पसमाव दिख जाता है, पशुपालक कोई खरीदता है तो 50% संतुष्टि वैसे हो जाती है, बाकी तो देख के लेना चाहिए पशुधन, तो मैं तो यही मानता हूं। तो ये देखिए जी, पीठ पुट्ठा माइनस, बस सींग का खुलचा उतरवा रखा है, वो कोई भाई लेना चाहे तो इनके पास भी रखा हुआ है। इनका कहना है कि किसी के साथ किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं मिलेगा। आ जाओ राकेश भाई, मेरे हिसाब से लग गई। तो ये देखिए, जो पसमाओं पे चोटी लग चुकी है, कोशिश है कि वीडियो छोटी से छोटी कवर करें। ये देखिए जी, बिल्कुल शांत स्वभाव की, और एक बार दिखाना चाहेंगे नजदीक से पशुपालकों को। ये देखिए जो थनों की क्वालिटी है, चारों थन बिल्कुल अलग साफ सुथरे, किसी तरह का अनबैलेंस नहीं, पीछे से आप स्पेस देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा, और मिल्किंग जो है दिखा रहे हैं 7 दिन की ब्याई हुई भैंस की है, और बहुत ही ज्यादा ठंडी है जी इस टाइम में। पशु दूध बढ़ाना तो दूर की बात है, कोई भाई अगर रोक भी लेगा दूध को तो मैं तो उसको भी मानता हूं कि भाई हाँ बहुत मेहनत कर रहा है वो, और साथ में जो सींग की पोली है वो भी ये देख पा रहे हैं यहीं पे है जी, साथ में दिखाई है भाई ने, इसी झोटी के सींग की पोली है। इसको अगर फिट करवा के बेचते किसी को 20-30 हज़ार महंगी जाती, लेकिन इनका कहना है कि साफ सुथरा जो काम करेंगे कोई भाई खरीदेगा वो साथ लेके जाए, ताकि लगवा के सुंदरता जो है थोड़ी बनी रहे, और तालाब वगैरह में ये चीज़ें नॉर्मली जो है पशु आपस में करके थोड़ा बहुत ये चीज़ें माइनस हो ही जाती हैं, बाकी कोई भी माइनस पॉइंट नहीं। और अभी आपको कुछ ही देर में जो है चुवाई दिखा दी जाएगी, ये देखिए अभी इतना विश्वास, खाली बाल्टी आप देखिए, करो जी स्टार्ट, इतना विश्वास अपने पशु पे कि बाल्टी लेके बाहर पानी को डाल के आए हैं और तब तक भैंस वही खड़ी है, बिल्कुल क्लियर यहीं से दिख रही है, बताने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट चुवाई है जी आगे के थनों की, और लगभग थोड़ी देर में आपको जो मिल्क है इसका जितना भी होगा भाइयों के सामने दिखा दिया जाएगा।
हम आपको अच्छा पशुधन दिखाने का एक माध्यम मात्र हैं, जिसमें हम रूटीन से वीडियोज लेके आते रहते हैं और विश्वासमंद हम पशुपालक इनको कहेंगे, क्योंकि रेगुलर जो सोशल मीडिया पे बेचने वाले हैं वो पशुपालक हैं, मैं तो मानता हूँ, आते रहते हैं तो एक विश्वास जाहिर है। काफ़ी भाई हैं जो मैंने देखा है फ्रॉड काम करते हैं कि किसी भैंस की फ़ोटो डाल दी और 10-20 हज़ार डलवा लिए और बाद में फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया, तो ऐसे लोगों से आप बचें। भाई वो पहले वाले जो अपने लखनऊ से 100 किलोमीटर आगे भी जी जी तो 16 किलो दूध छोटी थी किसी से खाली कर जी जी गारंटी ली थी आपने 20 दूध की 24 प्लस निकाले जी आपकी बात जी जी लखनऊ से आगे गई है जी 100 किलोमीटर और 16 किलो दूध से खाली होती हुई उठी है, इन्होंने 20 की ही कही थी और 20 उसने दूसरे ब्यांत में निकाल रखा था। कुछ भाई कमेंट कर रहे थे चौथे पांचवें ब्यांत की है, जिसके पास बकरी नहीं होती वो कुछ भी लिख देता है। ओरिजिनल वो भैंस मेरी भी देखी हुई थी, लेकिन उस टाइम मैंने ये बात इसलिए ज़्यादा नहीं बोली कि वो एक पशु को बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी, लेकिन वो वास्तव में वो जो भैंस थी तीसरे ब्यांत की वो दूध की थी, अच्छे दूध की भैंस थी। तो देखिए, कोई हम ये नहीं कहते कि व्यापार करने वाले सभी अच्छे हैं, बुरे भी हैं और सभी भगवान भी नहीं होते, एक आध पशु गलत भी आ जाता है। बिल्कुल व्यापारियों का खुद का भी अल्ट्रासाउंड हो जाता है कई बार, एक आध पशु गलत आ ही जाता है। ये देखिए जी, बिल्कुल करो भाई, 2.5 किलो दूध अगले थनों से निकाला है। कुछ भाइयों को तो यही नहीं पता कि अगाड़ी क्या होती है, काफी फोन करते हैं अगाड़ी क्या होती है, आगे के थनों से जो दूध निकालती है ये देखो पीछे वो 1.5 किलो से ऊपर दूध होना चाहिए तब भैंस पास होती है, 1.25 किलो कम से कम। ये देखिए पीछे के थनों की चुवाई बहुत ही सॉफ्ट, और कुछ ही टाइम में आप देखिए दूध जो है वो आपके सामने होगा। चुवाई वाला पशु है वो किसान को 2 टाइम जब दूध निकालता है, अच्छा पशु होगा तो खरीदने वाला भी खुश रहेगा, लेकिन टाइट चुवाई की भैंस है तो जो भाई खरीदता है ना वो दोनों टाइम जो पशुपालक भेजता है उसको मैं कहूँगा उसकी आत्मा जो है गालियाँ ही देती है। तो चुवाई की नरम जरूर खरीदें, सॉफ्ट चुवाई की भैंस, ताकि लेडीज जो बड़े बुजुर्ग हैं जो भी चाहे वो चुवाई कर सके। तो देखिए आप मान के चलिए इतनी सर्दी में दूध निकाल रही है वो बहुत बड़ी बात है जी, ठंडी से मैं कहूँगा फसल भी 2 दिन से तो इतनी ठंड है, फसल में भी नुकसान के आसार दिख रहे हैं थोड़े बहुत, और इसी करके पशुपालक हैं खुद भी काफ़ी भाई हैं फीवर के शिकार हैं बुखार ठंड से, और पशु भी, इसलिए बड़े मेहनत से और दिल से लगा के इनको रखना पड़ता है तब जाके ये दूध निकालती हैं। चुवाई देखिए बहुत ही अच्छी है, सॉफ्ट चुवाई, शांत स्वभाव, दूध 1 किलो कम भी दे पशु स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो राकेश जी दूसरे ब्यांत में कितना क्या कुछ दूध निकाला था भाई? इसने 18 किलो की रिपोर्ट तो है। अच्छा तो इस बार तो 20 की मानिए आप भाई, इतना तो निकालना चाहिए। डाइट क्या क्या देते हो? काफी भाई है ना कमेंट करते कि क्या खिल गेहूं बाजरे का दलिया जी पका के जी, और उसमें 150 से 100 ग्राम मेथी जी, और चने का छिलका जी, और बिनोड़े की खड़ जी, और बिनोड़े की खड़ इस टाइम में डालो तो गर्म पानी में भिगो के ही डाल दे, जुगाड़ी में ज्यादा इफेक्ट करती है, मजा आता है पशु को गर्म चीज करने में भी मजा आता है। जो भी दाना डालो ना पशु के सामने किसान साथी, थोड़ा पानी को नॉर्मल सा गर्म करके और वो पानी दोनों टाइम गुनगुना पानी पिलाना चाहिए पशु को, बिल्कुल गर्म करके। जो पानी पिलाते हैं ना किसी टप वगैरह में रात के रखे हुए में वो जानलेवा हो सकता है पशु के लिए, इतना ठंडा बिल्कुल बिल्कुल। और मंजीत एक बात और, दूध निकालते ही दोनों टाइम आधा किलो गुड़ पशु को डाल, बिल्कुल चाहिए जी, इतनी सर्दी है कि आप मान के चलो टेम्परेचर रोकना ही बहुत बड़ी बात है। अच्छे अच्छे जो पशु हैं वो पशुपालकों के निकल के आ रहे हैं, लेकिन रूटीन से बिक्री में जो पशु रहने वाले हैं वो पशुधन आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जो ये कुछ भाई फोन करते हैं 25-30 किलो की चाहिए, उसके लिए एक बार अपना बैंक बैलेंस चेक करें और फिर आगे की तरफ निकले। ये वैसे एंटिक होती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती, कितने भी रुपए की हो सकती हैं, रेगुलरिटी में दूध पीने वाली वैसे तो यही हैं, रिकॉर्ड जो बनाती हैं वो वैसे, ये नहीं कि जैसे ये दूध निकालेंगी रेगुलर वो ऐसे ही निकालेंगी, रिकॉर्ड कुछ ही टाइम का होता है जी, उसमें जी जान लगा देते हैं। और ये वैसे वो हैं जो कम देती हैं 18-20 वो रूटीन में देती हैं, गबन होने के बाद भी अगर 17 किलो 16 किलो पे भैंस रुकती है 14 किलो पे रुकती है वो किसान के हित में है।
5-7 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की भैंस है, वो कोई भी आपको ये कह के नहीं देगा आपके घर देगी या नहीं देगी। ये देखिए जी, उड़े रख लो, उड़े रख लो। ये देखिए जी, बाल्टी जो है फुल इस पशुधन ने की है। बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी किसान खरीदना चाहता है, इनका मोबाइल नंबर भी देंगे, अपनी संतुष्टि जरूर करें। थोड़ा जल्दी कर लो राकेश भाई, लंबी वीडियो हो जाती है और पशुपालक हैं, सर्दी का टाइम है, पहले ही अपने पशुओं को नहीं संभालने में लग पाते, कुछ अपनी वीडियो के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो खाली बाल्टी दिखा दी गई है और ये देखिए जी, दूध जो है आपके सामने अभी माप के दिखा दिया जाएगा। भैंसों का तो पता नहीं, हमें ठंडी जरूर लग गई। बाकी जो दूध की मापाई है वो संतुष्टि वाली आपको मिलेगी। बस जी माप दो, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, 10 मिनट से अबाव हो जाएगी ना। तो ये देखिए, अभी आपको माप के दिखाया जाएगा, मापो जी। एक लीटर, साथ में काउंटिंग भी करते रहे आप ही। तीसरे ब्यांत की भैंस, 7 दिन की ब्याई हुई और साथ में मेल काफ। 3 लीटर दूध, 4 5, ये देखिए जी, 6, 7, 7 लीटर दूध हो चुका है, जैसे कि इन्होंने 15 से अभाव भी बताया था। और जो जब दिखाते हैं तो लगभग बच्चे को छोड़ने वाली बात रहती नहीं ज्यादा। ये लो भाई, ये देखिए, खूब ऊपर नीचे गिर के भर लेना भाई, कोई भी पशुपालक आए ना। 16 दूध है, 16 लीटर दूध है, पर मैंने 15 ही बताया है। सर्दी का टाइम है, 4 किलो भाई, कभी कम देते कभी बढ़ते जी। अपना मोबाइल नंबर बताएं एक बार। 91 जी 86 जी 53 94 जी जी। तो राकेश भाई, आप साथ में क्या दे रहे हो फिर, ये सींग की खोली भाई? अगर मैं धोखा करना चाहता ना किसी के साथ जी, तो ये सींग की खोली है, देखो इसको इस तरह पैर आके भी दे सकता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा जी, जी। मालिक के जा सब कुछ है मेरे पास जी जी, ईमानदारी से काम करता हूँ। और ये कह देते हैं ना लीटर, 16 लीटर 7 दिन की तरह तोल के दिखा दूं। बिल्कुल, जो जेल का तहत उलट कर तेरे पशु का, उसका तो सभी 20 ही बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होता है, लेकिन 16 लीटर दूध 7 दिन की भैंस में निकालना बहुत 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 मुश्किल है जी। और ये सर्दी का टाइम जी। तो जितने भी भाई जुड़े हैं जी, साथ में डाइट भी बताई, पशुधन भी दिखाया, क्या खिलाते हो, ये खाली अपनी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल, बच्चे की तरह सामना पड़ता है जी सर्दी में, सुबह को शाम नहीं देखते, सुबह को सुबह नहीं देखते। बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी भाई जुड़े हैं जी, खरीदना चाहते हैं, रेगुलर नंबर चल रहा है, अच्छा पशुधन दिखाया ईमानदारी के साथ, उसके लिए इनका भी धन्यवाद। जितने भी पशुपालक भाई जुड़े हैं, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।